हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं हमारी लॉ सिंप्लीफाइड सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में, यानी कि सीआरपीसी के अंतर्गत जब कभी भी कोई क्रिमिनल की प्रोसीडिंग चलती है, किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल चलता है या जो भी उसका पूरा प्रोसेस है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें अलग अलग करी जाती है। इससे ठीक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि जब कभी भी आईपीसी के अंतर्गत कोई क्राइम होता है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं। उसके अंदर हमने चार स्टेजेस को पढ़ा था और वो चार स्टेजेस थे इंटेंशन। सबसे पहला स्टेज है इंटेंशन, जहां पे किसी इंसान का इंटेंशन होना बहुत जरूरी है कि वो क्राइम करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ऐसा बताया भी है कि अंटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, अगर उस पर्सन का इंटेंशन नहीं है वो क्राइम करने का, तो उसको उस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। इसके बाद उसका सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन, यानी कि उस क्राइम को कमिट करने का अगर उसका इंटेंशन है और उसने उसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। तीसरा स्टेप है अटेम्प्ट, यानी कि अगर उसने उस क्राइम को कमिट करने के लिए अटेम्प्ट किया तो वो उसका तीसरे स्टेज को फुलफिल करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल पार्ट है उसका फोर्थ, जो कि है एक्टस रियस, जिसको हम कहते हैं जब कभी भी उस पर्सन ने उस क्राइम को एक्चुअली में कमिट कर दिया हो। तो ये मेन हमने चार स्टेजेस पढ़े थे क्राइम के, और जब ये चार स्टेजेस का फुलफिलमेंट होता है तो आखिरी में कमिट होता है क्राइम। और जब कभी भी ये क्राइम कमिट हो जाता है तब अप्लाई होता है सीआरपीसी कि उस क्राइम का जो ट्रायल चलना है, जो उसका प्रोसेस है न्याय दिलाने का, वो प्रोसेस जो है सीआरपीसी बताता है और उसी में होते हैं डिफरेंट स्टेजेस। और उन्हीं स्टेजेस के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और फर्क आपको समझाना चाहूंगा आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का। ये जो स्टेजेस ऑफ क्राइम हमने पढ़े, ये हमने पढ़ा था आईपीसी में। और आईपीसी इसके बारे में डील क्यों करता है, क्योंकि आईपीसी हमें ये बताता है कि हमारा कोई भी एक्ट या ओमिशन कब क्राइम हो जाएगा, यानी हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य कब क्राइम होगा। लेकिन वो सिर्फ इतनी ही बात बताता है कि वो कब क्राइम होगा और उसके लिए सजा कितनी होगी, लेकिन वो जो क्राइम करने से लेकर सजा तक पहुंचने तक के बीच का जो सफर है वो बताता है सीआरपीसी, जो कि प्रोसेस से डील करता है किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में। तो आज हम इसी के अंतर्गत सीआरपीसी के अंडर में पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि डील कर रहा है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी। अब जब कभी भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अलग अलग लोग आपसे अलग अलग तरह के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका यह डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे और आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर डेवलप कर देंगे कि एक्चुअल में क्राइम के स्टेजेस क्या होते हैं किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अगर आप इसको सबसे पहले एक बाइफर्केट करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि इंडेक्स लेवल पे अगर हम इसको तोड़ें तो ये तीन पार्ट में टूटता है। कौन से पार्ट में? प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। इन तीन नाम को पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये जो ट्रायल का स्टेज है ये एक मिडिल पॉइंट है, इसके प्री और पोस्ट के बारे में डिवाइड होता है और सबसे बड़ा पार्ट है भी यही। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल और ट्रायल है क्या। तो ट्रायल से हम और कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं कि जब कभी भी कोई मामला कोर्ट में जाता है और उसके सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि दोनों साइड के वकीलों को सुनना, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करना, विटनेसेस को सुनना, दोनों साइड के पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी साइड को प्रेजेंट कर पाए, और आखिरी में जो जज है वो अपना पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लेके एक डिसीजन देता है और उस डिसीजन के रीजंस को कोट करता है, तो उसको हम कहते हैं जजमेंट। जब आखिरी में वो जजमेंट आ गया तो इसका मतलब वो ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो चुका है। अब उस ट्रायल में हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा है। तो ये वो स्टेज है जहां पे कोर्ट में चलने वाली पूरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन कोर्ट में पहुंचने से पहले क्या स्टेजेस हैं और कोर्ट में पहुंच जाने के बाद, यानी कोर्ट में जब आपका फैसला हो चुका तो उसके बाद क्या स्टेजेस हैं, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो इन तीन पार्ट में हम ऑलमोस्ट डिवाइड कर सकते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। एक वो स्टेजेस जो कि कोई भी मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले फॉलो करनी होती है, वो स्टेजेस जो कोर्ट में जब आप पहुंच गए तो आपको फॉलो करनी, और वो स्टेजेस जब आपको जजमेंट मिल गया कोर्ट से तो आप जब उसके रिलीव हो गए तो आपके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बचेंगी इन फॉर्म ऑफ स्टेजेस। तो इसी चीज को आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्री ट्रायल पे। प्री ट्रायल को अगर हम ड्रिल करें तो प्री ट्रायल और कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें यह बताता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले, क्राइम हो जाने के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले हमारे पास क्या क्या स्टेजेस बचते हैं। तो जल्दी से जंप करते हैं और समझने की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आईपीसी में पढ़ा था कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होगी, सीआरपीसी में स्टेजेस की शुरुआत होती है कमेंसमेंट ऑफ क्राइम से, यानी कि आईपीसी के अंतर्गत क्राइम तो कमिट हो चुका है, यानी कि जो एक्ट है वो हो चुका है क्राइम का, और उसके बाद यहां से पहला स्टेज शुरू हुआ जो आपको यहां पे नंबर वन लिखा दिख रहा है। तो जब कभी भी कोई क्राइम कमिट हो गया तो जो पहली चीज होगी वो होगा उस क्राइम की रिपोर्टिंग, यानी कि क्राइम हुआ है ये असल में अथॉरिटीज को पता चलना चाहिए। और वो अथॉरिटी कौन है? एफआईआर होगा,
ये भी आपको पता होना चाहिए कि cognizable cases में FIR होता है, non-cognizable cases में complaint होती है। तो यहां मान लेते हैं FIR से हमारा मतलब है पुलिस, यानी कि आपके पास दो रेमेडी है कि आप सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि आप पुलिस के पास जाएंगे और उस क्राइम को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब आप इस पर आगे की कार्रवाई करिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कॉग्नाइजेंस लेने की दो अथॉरिटीज हैं, एक पुलिस है, और अगर पुलिस ना ले तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट इसके में एक्ट नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट सिर्फ इतना करेगा कि आपकी एफआईआर को वो नोट डाउन करा देगा पुलिस को इंस्ट्रक्ट करके। यानी कि यहां पे बेसिकली इन दोनों को एक पॉइंट पे भी लिखा जा सकता है कि कॉग्नाइजेंस लिया किसी पार्टी ने और उसमें क्या किया गया, पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो इसमें अकॉर्डिंगली एक्ट करे। ठीक है सर, अगर पुलिस ने और मजिस्ट्रेट ने दोनों ने मिल मिला के एक कॉग्नाइजेंस ले लिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का शुरू होना क्यों जरूरी है, क्योंकि असल में जो क्राइम हुआ है उसमें रियल काम पुलिस का है कि वो सारी की सारी चीजों को पता करे कि किसने क्राइम किया, क्यों किया होगा, कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे, मर्डर वेपन क्या है, एविडेंसेस को कलेक्ट करे, लोगों से बात करे, पूछे, पूरा बैकग्राउंड कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा करे, ताकि कोर्ट जब इस पर सुनवाई करे कि सजा कितनी मिलनी चाहिए तो उस इन्वेस्टिगेशन और उस क्राइम का एक्चुअल सिनेरियो जो है वो उनके पास क्लियर आउट हो चुके। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस हमारा थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज है एंटीसिपेटरी बेल। सर अब सडनली एंटीसिपेटरी बेल कहां से आ गया, देखिए ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है किसी क्राइम में एक्यूज होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उसको सस्पिशन होता है कि मेरा क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है कि जब कभी भी आपको ऐसा सस्पिशन हो कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है और एक्चुअल में अरेस्ट वारंट निकलने से पहले आप कोर्ट के पास जाते हैं और अपने सस्पिशन को उनको बताते हैं कि सर मेरा अरेस्ट हो सकता है और मैं चाहता हूं कि मुझे पहले से बेल दे दी जाए ताकि जब पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने आए तो मैं अपना एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिखा के रिलीफ ले पाऊं, तो उसी को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। इसीलिए ये एक्चुअल अरेस्ट से पहले आता है। तो चौथा स्टेज क्या हुआ, एंटीसिपेटरी बेल। इसके बाद आता है अरेस्ट। अगर आपका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया या आप इसको लेने में फेल हो गए तो आपको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें मैं लिख देता हूं मे, क्योंकि ये क्या है, कुछ केसेस में एप्लीकेबल है और कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट हो। उसके बाद क्या है, जैसे ही अरेस्ट होगा उसके बाद होगा प्रोडक्शन टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा और वो आपका अगला स्टेज होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है और सीआरपीसी में भी पढ़ा है, हमारा लॉ ये कहता है कि कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो रूल है 24 आवर्स का, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। और ये उसी के बारे में बात कर रहा है, इस वक्त मजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस नहीं लिया है, वो केवल जो उस पर्सन का अरेस्ट हुआ है उसको ऑथराइज करने के लिए, फर्दर डिटेन के लिए वो अपना कॉग्नाइजेंस ले रहा है और उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अभी तक हमने 6 स्टेजेस क्या पढ़े, ऑफेंस का कमीशन, मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट से भी हो सकता है, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पर्सन जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल अगर नहीं मिली तो उसका अरेस्ट होगा और अरेस्ट होते ही उसको लेके जाया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, जहां पे वो क्या किया जाएगा, उसको फर्दर डिटेन या बेल जो भी उसको मिलनी चाहिए वो मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, रिमांड। जब आप पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके चले जाते हैं तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसका अरेस्ट गलत था, या तो वो उस पर्सन को जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। यानी कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके लिए सेक्शन 167 आपको पढ़ना चाहिए, कि 167 में लिखा हुआ है कि 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं होगी और 90 डेज तक मैक्सिमम लिमिट है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पनिशमेंट्स के लिए जहां पे उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। तो यही रूल यहां पे अप्लाई हो जाएगा, रिमांड मतलब कि उसको कस्टडी में डाला जाएगा, यानी कि मजिस्ट्रेट उसको क्या कर देगा, कस्टडी में भेज देगा जब तक कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब इस आखिरी, फिर उसके बाद स्टेज क्या है, एट्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट था रिमांड, उसके बाद एट्थ पॉइंट है कि यहां पे हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना दी है, अब वो क्या करेगा, इसको जमा करेगा मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि न्यायालय में जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, सर अब आप अपना आगे की कार्रवाई बढ़ाइए, और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्नाइजेंस लेंगे। अब मजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस लिया उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, अब वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और आगे की कार्रवाई अपने ट्रायल की चलाएंगे। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसी स्टेज पे ट्रायल शुरू होना चाहिए ना, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जब चार्जेस बनते हैं तब हम कहते हैं कि ट्रायल शुरू हुआ, चार्जेस से पहले ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बता रहा था कि अब ये क्या करेंगे, उस फाइल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, चार्जेस बनाएंगे। अब मजिस्ट्रेट ने खुद से अपने चार्जेस बनाए कि इन चार्जेस के बेस पे, जैसे कि मान लीजिए अगर केस मर्डर का है तो वो 302 लगाएंगे, 300 लगाएंगे कि अब जो है इन चार्जेस पे जो है वो केस चलने वाला है और इस पर्सन को अपना जवाब देना पड़ेगा कि इसके ऊपर इन सजाओं का इंजाम क्यों ना लगे और इसको ये सजा क्यों ना दी जाए।
इसके बाद आता है प्ली ऑफ गिल्टी एंड नॉट गिल्टी, इन दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। प्ली ऑफ गिल्टी एंड प्ली ऑफ नॉट गिल्टी क्या है कि उस पर्सन से ये पूछा जाता है कि आप प्ली क्या करना चाहते हैं, आप खुद को दोषी मानते हैं तो आप इस बार इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं कि हम आपका ट्रायल ना चलाएं, अगर आप दोषी मानते हैं तो आपकी जितनी सजा बनती है हम उतनी सजा दे दें, या हम ट्रायल इस बेस पे चलाएं कि आपने अपने आप को दोषी मान लिया है तो आपकी सजा कितनी कम कराई जा सके। और दूसरा है प्ली ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं नॉट गिल्टी हूं, इसका मतलब मेरी गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया, इसलिए मेरा ट्रायल चलना ही चाहिए ताकि मैं बाइज्जत बरी हो सकूं। ठीक है सर, ये टोटल 12 स्टेजेस थे प्री ट्रायल के। अब आते हैं हम ट्रायल पे जो कि हमारा सेकेंड स्टेज है। इसके हैं हमारे 6 पार्ट्स, यानी कि सबसे आसान तरीके से समझ जाएंगे इसको। जब उस पर्सन ने कर दिया कि मैं गिल्टी हूं कि नॉट गिल्टी, अगर उसने बोला कि यस आई एम गिल्टी, तो उस केस में क्या होगा, उसको सीधे कन्विक्ट कर सकते हैं या उसका ट्रायल चलाया जाएगा सिर्फ ये तय करने के लिए कि उसकी सजा कितनी बनती है। लेकिन अगर उस पर्सन ने ये बोल दिया कि नो आई एम नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं इनोसेंट इंसान हूं, मुझे गलत तरीके से सजा दी जा रही है, तो उस केस में भी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल करना पड़ेगा, यानी कि अब उसका ट्रायल चलेगा और ये तय किया जाएगा कि उसकी सजा बनती है कि नहीं, और अगर बनती है तो कितनी बनती है। ट्रायल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 225 से शुरू हो जाता है, सेशंस ट्रायल, वहां से हम पढ़ सकते हैं। 225 सीआरपीसी की मैं बात कर रहा था। तो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, एविडेंस किसके, दोनों पार्टीज के, यानी कि डिफेंस के भी और प्रोसिक्यूशन के भी। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, उसके बाद दूसरे नंबर पर डिफेंस, इन दोनों के एविडेंसेस को देखा जाएगा। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दोनों के एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लेने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट किया जाता है। दोनों पार्टी अपने फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट देती हैं कि हम सारे एविडेंसेस को हो जाने के बाद हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं और हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि इन एविडेंसेस के बेस पे हमारा कंटेंशन ये है और हमें कोर्ट से ऐसा 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 रिलीफ चाहिए। उसके बाद आता है जजमेंट एंड सेंटेंस बाय द कोर्ट। जजमेंट एंड सेंटेंस बाय द कोर्ट का मतलब और कुछ भी नहीं, केवल जजमेंट है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अब अपना जजमेंट सुनाती है एविडेंसेस के रिकॉर्ड हो जाने के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के रिकॉर्ड हो जाने के बाद कोर्ट का जजमेंट आता है। और उसके बाद जजमेंट ऑफ द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस, यानी कि ये क्या है, इस जगह पे कोर्ट प्रोनाउंस करता है कि मैं जजमेंट ये देने वाला हूं, उस पे जो भी कंटेंशन होता है, और उसके बाद आखिरी में क्या होता है, वो जजमेंट पास कर दिया जाता है, यानी कि वो जजमेंट ऑर्डर शीट में लिख के सामने वाले को थमा दिया जाता है। और यहां पे ट्रायल कंक्लूड हो गया, क्योंकि आखिरी स्टेज में क्या हुआ, वो इन राइटिंग जो है उसके हाथ में जजमेंट रिलीज करके पहुंचा दिया गया। अब उसके पास कोर्ट रूम में कोई और चीज नहीं बची है जिस न्यायालय में वो गया था। और यहां से हम आते हैं अपने आखिरी स्टेज पे जो कि है पोस्ट ट्रायल, जिसमें है केवल 3 पॉइंट्स, 3 ही स्टेजेस, और वो क्या है, सबसे पहला है अपील। अगर आप उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करोगे, उसके हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, अपीलाट कोर्ट में, और जाके आप उससे रिलीफ मांग सकते हैं कि सर मैंने जो अपील करी है वो इस बेस पे करी है कि मुझे जो जजमेंट इस निचली अदालत से मिला है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। और अगर आपने उस कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ आपका जो जजमेंट आया है वो रीजनेबल ग्राउंड पे गलत था, तो आपको अपील जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी और उसके बाद आपको उसके बेस पे जजमेंट दे दिया जाएगा। इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब और कुछ भी नहीं, आप क्या करते हैं उसी न्यायालय के पास या फिर से हायर कोर्ट के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि इस चीज को आप रिवाइज करिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉल्ट रह गया है और इस चीज को करेक्ट कर दिया जाए। और उसके बाद आखिरी में आता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि जब आपकी ये दो रेमेडीज जो है, अगर इसको तीसरा लिखा है तो उसको चौथा लिख लेते हैं, अगर ये दो रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपका अपील और रिवीजन का राइट खत्म हो चुका है, अगर आपकी अपील जाके रिजेक्ट हो गई है, या मान लीजिए आप एक्विट हुए थे और सामने वाली पार्टी चली गई कि नहीं ये बाइज्जत बरी नहीं, इसको तो सजा होनी चाहिए, और आपको सजा मिल गई, तो उसके बाद आखिरी जो स्टेज है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस का। इसका मतलब क्या है कि अब आपको सजा मिलेगी, जो आपके सारे राइट्स थे कोर्ट के वो सारे खत्म हो चुके हैं और कोर्ट का जो आखिरी डिसीजन था वो फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा और अब आपको सजा दे दी जाएगी, वो किसी भी चीज का हो, यानी कि अगर जजमेंट आया आपके एक्विटल का तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर जजमेंट आया है आपको जेल में बंद करने का तो आपको जेल में बंद किया जाएगा। अगर फाइन का है तो फाइन लिया जाएगा। और अगर सजाए मौत है तो यू विल बी हैंग टिल डेथ। यही है हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगर आप इसको एक बार दोबारा क्विक रिवीजन में देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं यहां से, जहां पे वो कमीशन से शुरू होता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, इन्वेस्टिगेशन में जाता है, उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल लेता है, रिजेक्ट होती है तो अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेजता है। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही मजिस्ट्रेट के पास फाइल भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट के पास फाइल जाते ही मजिस्ट्रेट चार्जेस को फ्रेम करता है, उस अक्यूज से पूछता है कि तुम अपने आप को गिल्टी मानते हो कि नहीं, और उसके बेस पे आगे के ट्रायल को बढ़ाता है। फिर हमारा ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल पे शुरू होते ही एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और एविडेंस
इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, उसके हो जाने के बाद फाइनल आर्गुमेंट दोनों पार्टी से सुने जाते हैं और उसके बाद जज जो है अपना जजमेंट सुना देता है, और उसके बाद आता है पोस्ट ट्रायल। उसमें उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी जजमेंट आया है उसके फेवर में, अगेंस्ट में, दोनों पार्टी के, किसी एक पार्टी के फेवर में आएगा तो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट में आएगा, तो उन दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि वो अपील कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं, और इन दोनों की रेमेडीज के एग्जॉस्ट हो जाने के बाद फाइनली उस सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो जाता है और हमारा सीआरपीसी वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो यही था हमारे पास स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं क्योंकि हम रेगुलरली आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहते हैं लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को शार्प करते रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।